Conservation of forests and wildlife in India. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. अब ये जो conservation हम कह रहे हैं, यानी कि एक तरह से हमें protect करना है जो हमारी wildlife है उसकी population को या जो jungle है, अगर हम उनको बचाना चाहते हैं, तो हमें उनको जो है एक तरह से preserve करना बहुत जरूरी होगा. तभी हम इनका जो तेज गति से खत्म हो रहे हैं, इसको हम रोक पाएंगे. But why do we need to conserve our forests and wildlife? पर हमें अपने इन जो फॉरेस्ट है या जो हमारी वाइल्ड लाइफ है इसको बचाने की जरूरत क्यों है. कंजर्वेशन प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सोइल. कंजर्वेशन यानी अगर हम सुरक्षित रखते हैं अपने इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, या जैसे कहना चाहिए जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, अगेन इसमें वही याद आता है आपके फ्लोरा एंड फौना. अगर हम इसको बचा के रखते हैं तो ये हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है यानी वाटर ऑयल वाटर एयर और सॉइल इन सबको भी हम बचा पाएंगे. इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग. साथ ही साथ क्या होगा फायदा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनकी भी जो है एक ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी इनकी स्पीशीज की, और जिससे क्या कहते हैं एक जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब एक इनमें भी जेनेटिकली भिन्नता आएगी. फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी. हम अभी देखें एग्जाम्पल के तौर पे तो जो हम खेती करते हैं उसमें ज्यादातर हम डिपेंड कर रहे हैं वो जो हमारे पुराने क्रॉप की वेराइटी चली आ रही है उन्हीं पर डिपेंड करते हैं. फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी. इसी तरह फिशरीज यानी जो मछली पालन वाले हैं वो भी काफी हद तक डिपेंड करते हैं कि जो उनकी जो पानी की बायोडायवर्सिटी है उस पर जो है किस तरह से उसकी मेंटेनेंस करी जा रही है. इन द 1960s एंड 70s कंजर्वेशनिस्ट डिमांड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. 1960s और 1970s में जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने डिमांड करी कि हमें जो है एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाना होगा. इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स. उसके बाद जो है 1972 में एक इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट निकाला गया जिससे ये प्रोविजन करा गया कि कई सारे जो हैबिटेट्स हैं यानी जो रहने वाले लोग हैं या रहने वाले जो जानवर हैं उनको काफी हद तक बचाया जा सके. एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज आल्सो पब्लिश. अब एक लिस्ट जारी करी गई जिसमें उन स्पीशीज के बारे में जिक्र किया गया था या उनका नाम निकाला गया था जिनको भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है. द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ. अब ये जो प्रोग्राम था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं यानी जो लुप्त होने वाली स्पीशीज हैं और उनकी बची हुई जो पॉपुलेशन है उसको हमें किसी तरह से सुरक्षित रखना है. कैसे हम सुरक्षित रख पाएंगे, शिकार बंद कर दिया गया या जो हैबिटेट जो वहाँ पे जानवर रहते थे उनको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाने लग गया और जो वाइल्ड लाइफ में ट्रेडिंग हो रही थी उसको भी काफी हद तक रोका गया. सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडी. रिजल्ट क्या हुआ कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जिसके बारे में कि आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली सेटल्ड इंक्लूडिंग द टाइगर. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए ताकि पर्टिकुलर कुछ एनिमल्स रहते हैं जिनको बचाया जा सके जिसमें सबसे ज्यादा खतरा जो है वो टाइगर के ऊपर था. द हॉर्न राइनोस ये जो एक हॉर्न वाला गेंडा होता है उसके ऊपर खतरा है. कश्मीर स्टैग और हंगुल है. थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल. तीन तरह के जो क्रोकोडाइल होते हैं जो साफ पानी में रहते हैं, एक सॉल्टी पानी में रहते हैं और एक जो घड़ियाल होते हैं. द एशियाटिक लॉइन अंदर एशिया के लॉइन और भी बहुत सारे कुछ ऐसे जानवर थे जिनको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बचाने के लिए. मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट द ब्लैक बक द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया. अभी जो रिसेंट खबर है उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन एलिफेंट है, ब्लैक बक है यानी चिमकारा जो है, एक इंडियन बस्टर्ड गोडवान जो होता है और एक स्नो लेपर्ड, इन सबको जो है काफी हद तक पूरी तरह से नहीं तो कुछ हद तक जो है एक लीगल प्रोटेक्शन मिल गया है जिससे कि इनका ना तो शिकार किया जा रहा है ना ही इनकी ट्रेडिंग की जा रही है पूरी इंडिया के अंदर. प्रोजेक्ट टाइगर. टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द कॉर्नल वेल्थ. ये जो एनिमल्स हैं इनके में सबसे ज्यादा जो स्पेशल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज मानी गई है वो टाइगर है. इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज्ड दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड ड्विंडल्ड
to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. 1973 में अथॉरिटीज को ये बात का एहसास हुआ कि जो टाइगर है उसकी पॉपुलेशन जो है खाली 1827 रह गई है, जबकि जब सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, जब सेंचुरी बदल रही थी, तब 55,000 थी। The major threats to the tiger population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitats, depletion of the prey-based species, growing human population, etc. अब ये सबसे बड़े खतरे जो टाइगर पॉपुलेशन के थे वो बहुत सारे थे, जैसे कि उसकी खाल निकाल लेना ट्रेडिंग के लिए, या जहाँ वो रहते हैं उन इलाकों को कम करते चले जाना, जहाँ पर वो शिकार करते हैं उन जगहों का जो है वो, या उनकी जो जिन इलाकों में वो शिकार करते हैं उन स्पीशीज का खत्म हो जाना, या वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ जाना, इससे जो है टाइगर काफी खतरा हो गया। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेड द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये जो टाइगर की स्किन का शिकार हो रहा था, उनकी बोन्स का इस्तेमाल जो है मेडिसिन में किया जा रहा था, खासतौर पे एशियन कंट्रीज में, इससे क्या हुआ कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से लुप्त होने की कगार पे आ गई। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दीज टू नेशंस बिकम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इललीगल ट्रेडिंग। अब इंडिया और नेपाल दो ऐसे कंट्रीज हैं जो लगभग 2/3 जो टाइगर की पॉपुलेशन बची है उसमें, जैसे कहने की वहीं पर ये आपको टाइगर्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि अब वर्ल्ड को ये दिखने लग गया कि यही दोनों कंट्रीज है जहाँ से हमारे को अच्छे खासी टाइगर की स्किन या जो भी उनका इस्तेमाल करते हैं बोन्स का वो मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो है इन दोनों कंट्रीज को मेन टारगेट बना लिया इलीगल ट्रेडिंग के लिए और पोचिंग के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, वाज लॉन्च्ड इन 1973। तो 1973 में एक वाइल्ड लाइफ का कैंपेन लॉन्च किया गया जिसको क्या कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया। इनिशियली इट शोड सक्सेस एज द टाइगर पॉपुलेशन वेंट अप टू 4002 इन 1985 एंड 4334 इन 1989। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये काफी हद तक सफल भी हुआ क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी अब वो 1985 में 4002 हो गई थी और 1989 तक आते आते 4334 हो गई थी। बट इन 1993 द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैड ड्रॉप टू 3600 और 1993 तक आते आते जो पॉपुलेशन थी टाइगर की वो अगेन जो है 3600 गिर गई। देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 37,761 किलोमीटर। लगभग 27 ऐसे टाइगर रिजर्व है इंडिया में जो लगभग एरिया कवर करते हैं 37,761 किलोमीटर का। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन यूज्ड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीशीज बट विद इक्वल इम्पोर्टेंस एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्निफिटी। जो टाइगर कंजर्वेशन था बेसिकली इसको इस नजरिए से ही नहीं देखा जा रहा था कि उनको जो ये स्पीशीज है ये लुप्त होने वाली है इसलिए इसको बचाना है, बल्कि क्योंकि ये जो एक इतना बड़ा जानवर है इसकी जो एक बायो इम्पोर्टेंस है उसको भी बचाना बहुत जरूरी था। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तरांचल, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बंधवागढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला, आसाम ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये जो आपको इतने नाम दिए गए कॉर्बेट जो की उत्तरांचल में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बंधवागढ़ जो है वो आपका मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व जो है वो आसाम में है और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरला में। ये सब जो है गवर्नमेंट द्वारा टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन द फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब ये जो कंजर्वेशन यानी जो सुरक्षित करने के जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं इनका मेन ऑफ फोकस जो है वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर है बजाय खाली उसके कुछ पार्ट को लेकर। देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। बहुत सारे अब नए नए और अलग अलग सर्चेस करी जा रही है, जुटाई हो रही है ताकि जो है और सुरक्षित करने के प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स को उठाया जा सके। इंक्रीजिंगली एवर इंसेक्ट्स आर बिगनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं अब उनको भी जगह मिल गई है कि हाँ उनको भी सुरक्षित किया जा सकता है। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1980 का और 1986 का उसमें कई सारी जैसे कहती है सैकड़ों की संख्या में बटरफ्लाई, मॉथ्स,
बीटल और एक डायनासोर को भी जो है नाम दिया गया कि हम इन स्पीशीज को भी बचाना है। In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with the sixth species. अब 1991 तक आते-आते पेड़ों को भी जो है include कर लिया गया लिस्ट के अंदर, जिनको protect करना था, और जिसमें से शुरुआत जो है छह species के साथ की गई।